नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। वर्चस्व एवं भूमि विवाद में बहती है खून की नदियां। बेगूसराय के बछवाड़ा में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को हूबहू चरितार्थ करती है दियारा की वारदात और बेबस पुलिस की कहानी प्रखंड क्षेत्र में तो जग जाहिर है, मगर शायद जिले के पुलिस कप्तान एवं सरकार की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दियारा के चमथा से लेकर श्रवण टोला तक यूं तो अधिकतर गोलीबारी गैर मजरूआ भूमि पर कब्जा जमाने हेतु वर्चस्व के कारण ही होती है। गौरतलब है कि इसी दियारा के चमथा गांव में पूर्व मुख्य सचिव एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अंजनी कुमार सिंह का घर भी है। इसके बावजूद कानून व पुलिस व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए 5 नवम्बर को भूमि विवाद एवं वर्चस्व की लड़ाई के कारण हुए भीषण गोलीबारी में 1 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं राजद नेता समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पिछले 24 घंटों से पुलिस छावनी में चमथा गांव तब्दील है, जबकि बछवाड़ा थाना से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर 5 पंचायतों के दियारा क्षेत्र में 1 अदद पुलिस पिकेट भी नहीं है। घटना को लेकर जानकारों ने बताया कि दियारा क्षेत्र में जब जब वर्चस्व एवं भूमि विवाद होती है तो पक्षों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र बाढ़ बख्तियारपुर में मेकरा मोकामा व समस्तीपुर जिले के बदमाशों को लठैर के तौर पर बुलाया जाता है। घटनाओं की इसी कड़ी में 8 जुलाई 2019 को चमथा गोपटोल में भूमि विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें अज्ञात लोगों अपराधियों द्वारा दियारा के किसान परमानंद राय 20 वर्षीय पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक हुए गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े, जहां घायल किसान पुत्र को ग्रामीणों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया। दियारा के दादूपुर पंचायत स्थित भगवानपुर में भी विगत 2 अप्रैल को लालो राय एवं चमरू राय को भूमि विवाद एवं वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके ठीक बाद 16 अप्रैल को इसी गांव के जोगो राय को कृषि कार्य में व्यस्त रहने की अवधि में अपराधियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया था। उपरोक्त घटनाएं तो उदाहरण मात्र है, साल भर में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें दर्जनों लोगों की मौत एवं कई लोग घायल होकर वर्चस्व की लड़ाई एवं भूमि विवाद की भेंट चढ़ जाते हैं। इस प्रकार के विवाद का कारक प्रशासनिक अपराधियों को भी ठहराया जा सकता है। ज्ञात हो कि दियारा निवासी नोनू यादव बनाम रामकरण यादव का भूमि विवाद का मामला DCLR तेघरा के न्यायालय में 4-5 वर्षों से लंबित है। वहीं विशनपुर निवासी भूजन राय ने बताया कि भूमि विवाद का मामला अनुमंडल कोर्ट में वर्ष 2001 से ही लंबित है। हरि राय विनोद एवं नौखे राय बाहरी बदमाशों का सहारा लेकर फसल लूट लेते हैं। अनुमंडल कोर्ट DCLR तेघरा एवं प्रशासनिक अपराधियों द्वारा समय रहते अगर भूमि विवाद का निपटारा कर दिया जाता तो इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। तो प्रभाजा फोन लगा आप पिताजी का नाम बोलिए तो दयानंद राय ये पूरा बोला हमें हो गया, मतलब 4 गो दीजिए या 10 गो दीजिए केस वही बने, आप जो मृत्यु हुआ उसका नाम। अरे जो हॉस्पिटल गए ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल जगह लोग का नाम पर नगेंद्र राय लिखे नगेंद्र जो मरा जो मर गए नगेंद्र राय। देश से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।